के टूटे हुए आप साफ तौर पे देख सकते हैं। ये गाड़ी आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद की, उनके काफिले की, साथ में समाजवादी पार्टी की ओर से विधायक मदन भैया भी मौके पर मौजूद रहे, लेकिन खतौली में पथराव हुआ है। पथराव के बाद गाड़ी की कंडीशन क्या है आपके सामने है? तो मुजफ्फरनगर से ये बड़ी खबर है, मुजफ्फरनगर के खतौली में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष की गाड़ी पर पथराव हुआ है और गाड़ी के शीशे भी देखिए चकनाचूर कर दिए गए हैं। गाड़ी के शीशे जो हैं वो चारों तरफ से तोड़ दिए गए हैं। तस्वीर आपके सामने। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी सनु, जिस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। सनु, लेकिन इससे पहले मदन भैया इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, वो खुद बताएंगे। आप बीती एबीपी गंगा पर स्वागत है आपका मदन भैया, जरा समझाएं कि क्या हो गया, गाड़ी के शीशे टूटे दिखाई दे रहे हैं वीडियो में। वो फोन उसका ही आ रहा है। आ जाओ एक सेकंड, एबीपी ऑटो मदन भैया आप साइड में आए और सबसे पहले एबीपी गंगा पर बताएं कि क्या हुआ है, ये गाड़ी के शीशे टूटे कैसे हैं? नहीं, यहाँ पर भूखखेड़ी में कार्यक्रम था जो है हमारा और आदरणीय चंद्रशेखर जी के साथ था जो है जी, आजाद समाज पार्टी के, ठीक है। तो वहाँ पर जो है चार पांच गाड़ियों में इन्होंने तोड़फोड़ की है और कुछ असामाजिक तत्व थे जो बीजेपी से संबंधित लोग थे, वही लोग थे। कैसे पता कि बीजेपी से संबंधित लोग थे? जी 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 जी, इतने आश्वस्त कैसे हैं कि बीजेपी से संबंधित लोग थे मदन भैया, क्योंकि गाड़ियों की हालत तो बहुत बुरी दिखाई दे रही है। नहीं, आश्वस्त इसलिए है कि वहाँ पर जो है पहले से जो इतना पुलिस फोर्स के बना है और कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता जो है इतना पुलिस फोर्स लगा हुआ था। कितनी फोर्स थी मदन भैया वहाँ पर? मतलब जो पूरा फोर्स लगा हुआ था, डिप्टी एसपी थे, कई इंस्पेक्टर थे, सब इंस्पेक्टर थे, सिपाही थे, जो सभी लोग थे जो है। उन सबके सामने कुछ लोग आते हैं और आप लोग की गाड़ियों पे पथराव करके गाड़ियों की बुरी हाल करके चले गए? नहीं, हम लोग तो मीटिंग में अलग थे। अच्छा, गाड़ियाँ अलग उन्होंने पार्किंग कराई थी। अच्छा, गाड़ियाँ उन्होंने अलग पार्किंग कराई थी, तो अच्छा। गाड़ियों की अलग पार्किंग पे में जो है तो जब वहाँ पर हमारे लोगों ने बताया है, जिसमें एक पुलिस की गाड़ी भी थी जो सिविल में, अच्छा। वो भी उन्होंने तोड़ दी गई है जो है। अच्छा। ये है। तो एसपी भी थे काफिला, ये तो बहुत बड़ी बात है मदन भैया, अगर इतने सारे लोग इतनी सिक्योरिटी के बीच में पार्किंग में गाड़ियों का ये हाल करके कोई जा सकता है, इस पर क्या कह रहे प्रशासन के लोग आपसे? ये तो सबसे बड़ी बात है, ये तो जो इससे बड़ा मतलब लॉ एंड ऑर्डर का मामला कहाँ हो सकता है कहते हैं जो है भाई, एक मतलब जो है एक आजाद समाज पार्टी का मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 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 और एक क्षेत्रीय विधायक, बिल्कुल ये जब मतलब काफिले में ये हो सकते हैं तो फिर कहाँ इनका लॉ एंड ऑर्डर रह गया जो है? तो फिर चोट भी लग सकती थी, किसी को चोट चपेट तो नहीं आई मदन भैया? लोग सुरक्षित हैं? चोट किसी को नहीं आई है, लेकिन सवाल ये, गाड़ियां पार्किंग अलग थी तो गाड़ियों के साथ अगर ये तोड़फोड़ की गई है तो ये निश्चित रूप से बीजेपी के सारे पे हुआ है। अच्छा, आपके साथ चंद्रशेखर भी है क्या मदन भैया? जी हाँ जी हाँ, जरा उन्हें भी फोन दीजिए, वो भी बताएं कि उन्हीं की गाड़ियों पे इतनी तोड़ फोड़ की ये खबर चल रही है, जरा उनसे भी पूछे उन्हें किस पर शक है। हेलो चंद्रशेखर, मैं स्नेहलता एबीपी गंगा पर जुड़ चुके हैं, आप जरा बताएं आपके गाड़ियों का वीडियो चल रहा है लगातार, शीशे टूटे दिखाई दे रहे, कितनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं और क्या जानकारी है मौके से? पांच से छह गाड़ियां हैं जी, जो एक साजिश के थ्रू जो है और ये हमला किया गया। अब जब ही संज्ञान में ये भी आया कि उन्होंने वहाँ पेट्रोल की कुछ बोतलें भी मिली है। अच्छा, हुआ क्या जरा थोड़ा समझाए ना, क्योंकि आपको जब ये खबर मिली, आप लोग मीटिंग में थे मदन भैया बता रहे थे, कैसे पता चला ये सब हुआ है? जैसे वो मीटिंग चल रही थी उसी के बीच में कार्यकर्ताओं ने आके बताया। अच्छा। उन्होंने देखा कुछ हमलावर जो हैं जिन्होंने गाड़ियों पे शीशे तोड़े, गाड़ी को और जगह से नुकसान पहुंचाया और उसमें पेट्रोल डाल के साथ उनका आग लगाने की मंशा थी। अच्छा, ये आपको अगर याद हो तो जब धन्यवाद सभा हुई खतौली में, तो उससे पहले भी परमिशन को लेकर और तमाम चीजें जो है समस्या खड़ी, जब से ये खतौली का रिजल्ट आया तो बीजेपी के लोग बौखला गए, बौखलाहट में इस तरह का डर पैदा करना चाहता है, जबकि ये लोकतंत्र है। बिल्कुल ठीक नहीं है चंद्रशेखर, आप बड़े नेता हैं, आपकी गाड़ियों का काफिला, अगर आपकी गाड़ियां नहीं सुरक्षित रह पाएंगी तो कार्यकर्ताओं में डर रहेगा, इन गाड़ियों में अगर कोई होता तो गाड़ियों की जैसी हालत है उससे तो वो डर जाएगा, लेकिन आप लोगों को परमिशन मिली थी, आपको लोग गार्ड कर रहे थे, जवाब देना चाहिए जी, कितने लोग थे, सिक्योरिटी कैसी थी? जवाब देना चाहिए कि उनकी मौजूदगी में अगर हमला हो रहा है और वो तो मैं वहाँ मौके पे उस गांव में मौजूद हूँ, तो आम लोगों का क्या हालात होगी इस बीजेपी की सरकार में? अगर कोई आम आदमी जो है, जब से ये चुनाव का रिजल्ट आया है ये लोग बौखला गए और बौखलाहट में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जनता ये सब देख रही है। खतौली तो मात्र एक टेलर था, पिक्चर तो 2024 में देखने को मिलेगी।
तो ये सब ये इससे नहीं डरते कार्यकर्ता, लेकिन ये जो नुकसान करने का प्रयास और डराने का प्रयास। अच्छा, ऐसा ऐसा पहले भी हुआ है कि आपको आप आरोप लगा रहे हैं और बहुत बड़े आरोप हैं, क्योंकि आप बड़े नेता और आपके काफिले की गाड़ी को इस तरीके से कोई तोड़ के जाए, क्षति पहुंचा करके जाए, ऐसे तो नहीं छोड़ा जाएगा, जांच तो होगी, आगे आप क्या उम्मीद करते हैं? ये मुख्यमंत्री जी का उत्तर प्रदेश है, मैं तो इन चीजों पे चर्चा भी नहीं चाहता, लेकिन जब ये क्यों नहीं चर्चा चाहते चंद्रशेखर, क्यों नहीं चर्चा चाहते हैं? चर्चा मैं इसलिए नहीं चाहता ना, मुझे सरकार से ज्यादा उम्मीदें नहीं है। अगर आपके काफिले के कार्यकर्ता को चोट लग जाए तो कौन आवाज उठाएगा? तो ये इसका जवाब देना पड़ेगा, इसका जवाब इस पूरी सरकार को देना पड़ेगा, जो मुख्यमंत्री। आप शिकायत दर्ज कराएंगे या इस पूरे मामले को यूं ही छोड़ देंगे? क्योंकि हम लोग FIR दर्ज करा रहे हैं, करा रहे हैं। अगर उन पर कार्रवाई नहीं होगी, जो बीजेपी के लोग जो हैं सत्ता के अहंकार में पागल उठते हैं, उन पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो यहाँ SSP और डीएम अपने अपने कार्यालयों में चैन से नहीं सोएंगे, मेरा वादा है आपसे। ठीक है चंद्रशेखर, कार्यकर्ता का मनोबल गिराने का प्रयास किया जाएगा, उन पर यह इसकी हरकत होगी, तो यहाँ जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ लगे हुए हैं जो बिल्कुल चंद्रशेखर देखिए ये है।